आज सुबह की पहली और बड़ी खबर मेरठ से, जहां निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र होली को फांसी पर फिलहाल टाल दी गई है। मेरठ जिला कारागर के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कोली की फांसी फिलहाल एक हफ्ते के लिए टाली गई है। निठारी की रिम्पा हल्दर सहित पांच मामलों में फांसी की सजा पा चुका सुरेंद्र कोहली को इसी हफ्ते फांसी दी जानी थी। वो तो आपने देखा ही सामने, आप खुद ही कह रहे हैं। नहीं, खुद नहीं कह रहा, मेरी जानकारी कह रही है। नहीं, नहीं ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मोहर तो भाई साहब आप ही लगाओगे। भाई वो तो शाम को ही, रात में ही हम कह रहे थे आप बेकार परेशान हो रहे हैं। तब तक वो सुनकर पता नहीं था ना, वकील साहब का लेटर आ जाए कुछ पता लग जाए उससे। अच्छा, तो वहाँ से कन्फर्म हुआ कि वो हमने रिटर करी फिर जो उस पर आदेश हुए तब जाके ये थोड़ा सा जानकारी मिली। और आप तो नाराज ही चल रहे हो अभी हमसे, जो जब तक कोली है तब तक भी कुछ स्पष्ट बता नहीं रहे। थोड़ा क्लियर कर देते ना तो ये सब लोग तसल्ली हो जाते। थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, जो जितना बता सकते हो, जितना कहा गया उतना बता दीजिए बस। मैं अभी उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको जो जानकारी है वो सही है। हमारी जानकारी नहीं, मैं अभी उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। अब ये तो कोई बात नहीं सर। हिमा अग्रवाल इस वक्त मेरठ से हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। हिमा, क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों फांसी टाली गई है, क्या खबर है पूरी? सचिन, देर रात्रि में मेरठ के डीएम के एक फैक्स पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश प्राप्त होता है कि किसी मामले में सुरेंद्र कोहली की सुनवाई है, जिसके चलते एक हफ्ते के लिए सुरेंद्र कोहली की फांसी को टाल दिया गया है। सुबह ये खबर की पुष्टि एसएम रिजवी जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा मीडिया से करी जाती है और उन्होंने कहा है कि अगले आदेश तक एक हफ्ते के लिए फांसी टाल दी गई है। एक फैक्स के द्वारा ये सूचना मिली है। और फिलहाल ये अवधि क्या एक हफ्ते की है या फिर इससे आगे भी बढ़ सकती है, क्या कुछ इस बारे में पता लगा? हाँ सचिन, जब हमने जेल सुपरिटेंडेंट से इस बारे में बात करी तो उनका स्पष्ट कहना था कि फिलहाल फांसी एक हफ्ते के लिए रोकी गई है, अगला आदेश जो मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी, फिलहाल एक हफ्ते से फांसी नहीं दी जाएगी। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।